अभी सही बोल रहे थे, जब आप पास हो जाते हो, जब आप पास हो जाते हो, आप फेल होते हो तो ठीक है, सही तो बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे हाँ इस बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं सही सुना पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा कब बोलेंगे, बहुत अच्छा अगर किसी तरह से बढ़िया से पास होकर पढ़ जाओ तो हाँ तो आपको यही हम लोगों का रिलेशन था। अब इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट बीच में नहीं डिस्ट्रैक्ट हो पाए, अब देखो डिस्ट्रैक्ट तो चाहते कोई थोड़ी होता कि हम भाई चाह रहे हैं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाए, ऐसा थोड़ी वजह बन जाती है, और वो हमने वजह आपको बताई थी कि दो साल के दौरान कि वो अपने आप होती है रैंडमली, पता चला आप घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी घर में मान लो शादी है, शादी के चक्कर में चला गया, लेकिन वो शादी के चक्कर में होता क्या है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसको ज्वाइन करा ही गए शादी पूरा ऐसा किया है, तो बेटा हमारा लास्ट टाइम के फिर से यही है कि आपको शुभकामना देते हैं, हमारे हिसाब से मैंने अपना काम अच्छे से किया है, अब तुम लोगों का काम है तुम लोग 1 महीने में अच्छे से कर दो, समझ रहे हो, अच्छे से कर दो और अच्छे नंबरों से पास हो, जिससे हमको लगे कि तुम लोग ठीक है ना, 2 साल पढ़े यहाँ पे, तुमने 2 साल बहुत बड़ा टाइम दिए हो, और 2 साल के साथ साथ तुमने पैसे भी खर्च किए, तुम्हारे मदर फादर ने पैसे भी, बहुत बड़ा टाइम हुआ, इसलिए बस आप ये है कि अभी आप ये क्लास के बाद हम लोग कट आउट भी नहीं हो रहे हैं, ये क्लास का दिसंबर में आपको आते रहना है, क्योंकि मेरा क्लास भी घट गया, फाइव क्लास जो हम पढ़ने लेते थे 2 बैच एंड हुए, 1 बैच नहीं हुआ, 1 12th यहाँ पे, 1 12th तो उसके वजह से थोड़े से तो लोडेड हम कम हो गए, तो उस वजह से तुम्हारा इस महीने में कुछ टाइम पर हेल्प हम बीच बीच में कर पाएंगे, इस बीच में तुम अगर आते रहोगे 3 दिन के गैप से वो करते रहेंगे, क्योंकि देखो जो तुम रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो वो रिजल्ट यही 1 महीना पर यही 1 महीना कराएगा, इसमें से कोई स्टूडेंट नहीं होगा चाहे कितना भी शरारती क्या ना हो, कोई ये नहीं चाहता, किसी के मन में ये नहीं होगा कि हमारा रिजल्ट ना हो, ऐसा कोई चाहता है क्या, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो ये सोचता हो हमारा रिजल्ट ना हो, सब चाहते रिजल्ट हो, और रिजल्ट बिल्कुल हम बोलने की हो जाएगा कि अगर आप 1 महीने की कंटिन्यूस पूरा पढ़ाई करें पक्का रिजल्ट हो जाए, ठीक है, तो आप 3-4 दिन में अपना चीजें कलेक्ट करते रहें और एक सीक्वेंसिंग से पढ़ाई करें, सेकेंड वो टॉपिक आप अब इस 1 महीने के दौरान पूरा अवॉइड करके चलें जिनमें आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही आपका कम है, सबसे कम है, मान लो 10% ही है कि आपको 10% ही चीज़ें आ रही हैं, किसी टॉपिक पूरी तरह से गायब है, उनको बिल्कुल मत होना, आप एक कुछ प्लानिंग की तरह जैसे आपका सिलेबस है मान लो 100% है, उसमें 30% आपके टॉपिक है जो आपको बिल्कुल अपनी आ सकती है, उनको आप टच मत करो, उतने को ही बस करो जिनसे क्वेश्चन आप बना लेंगे, बात आ रहा समझ में, बट एक लेवल लेकर बहुत ऊपर अभी आपको बहुत टफ वाले क्वेश्चन अभी आप इस समय नहीं जाना है, वैसे लेकर के पढ़ जाओ, यही सारी चीज़ें हैं, अब तुम अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी इसमें लेंगे, ठीक है ना, हमारा कहना ये कि हमने जो तुमको पेपर्स का सेट बोला वो बनाइएगा, पार्थ आश्रम टेस्ट भी देगा वो बनाइएगा, ठीक, और उन्हीं पेपर को बार बार अपने टीचर से डाउट पूछिए, उन्हीं पेपर को बार बार पूछोगे बार बार पूछोगे सेकेंडरी सारे चैप्टर के बहुत याद होने चाहिए, ये सारा आप इस तरह से प्लान करते जाते हो तो रिजल्ट जरूर होगा, ठीक है, तो रिजल्ट दीजिएगा, यही हमारी संभावना है, और आज के बाद क्लास वाइज ये इस तरह से नहीं मिलेंगे, अब हम लोग पर्सनली जब हम आओगे इंडिविजुअल, ठीक है।